तो आप लोग गप्पे नहीं मारेंगे तो इन आवाज़ पीछे भी आती रहेगी इनशाला आखिर तक बसमिल्ला अलहद ला सला वाले रसूल वबाद सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जैन भाई का और बिलाल भाई का कि वो मुझे लास्ट ईयर भी मेरे ख्याल से आप लोगों के लास्ट ईयर किस किस से मुलाकात हुई थी कौन कौन था ज़रा हाथ खड़ा करके बताएंगे जरा हाँ तकरीबन वही वही नंबर है फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट वाइज रिपीट हो रहे हैं अलहमदिल्ला तो इस बार दोबारा मौका मिला है हमें और आप लोग बहुत लकी हैं इस एतबार से कि अलहमदिल्ला आप लोगों को एक ऐसा माहौल मिल रहा है जहाँ पे काम के साथ साथ क्योंकि देखें सीधी सी बात है यहाँ पे क्यों बैठे हम सारे पैसों के लिए ना सीधी <laughs> 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 सी बात है यार बी रियलिस्टिक हम सारे तनखा के लिए आए हैं ना यहाँ पे ऑब्वियसली वी वांट टू इवन अगर हम लर्न भी कर रहे हैं साथ साथ तो मुफ्त में कोई काम नहीं करता ऐसे ही या मुफ्त में भी करा रहे किसी से काम ऐसे ही जो भी होगी ऐसे होगा तो वी वॉन्ट बेसिकली वी वॉन्ट टू प्रोग्रेस अयर एंड वी वॉन्ट टू अर्न मनी बेसिकली तो जो कि विच इज़ फाइन इन एंड ऑफ इट सेल्फ इसमें कोई हर्ज की बात नहीं और बहुत अच्छी चीज़ें बल्कि ये इन सर्टन कंडीशन तो ये इबादत की सूरत भी इख्तियार कर जाती है अगर आप नेक नियति से करेंगे और अपनी फैमिली के लिए करेंगे इंशाल्लाह लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो कि हम अक्सर अवत ख़ासतौर पर कॉपरेट लाइफ के अंदर जो है ना वम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं भूल जाते हैं और उस भूल जाने की वजह से होता ही है कि अभी मेरे ये अब्दुल्ला भाई मेरे पास घर पर सुबह आए हुए थे तो हमारी डिस्कशन भी हो रही थी वो कह रहे थे कि यार आपने एक दफ़ा हैदरबी बात की थी कि पैसा जो है वो ख़ुशी नहीं देता तो ये प्लीज़ इसको एक्सप्लेन करें तो फिर मैंने बातचीत करते हुए ज़रा एक्सप्लेन किया मैंने भाई को भी और मुझे एग्री भी किया कि पैसा बुनियादी तौर पे खुशी ना देने का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि वी आर सेइंग कि पैसा जो है वो इट इज़ नॉट ए कन्वीनियंस या वो अल्लाह की नेमत नहीं है या वो ऐसी चीज़ नहीं है विच शुड बी सॉट आफ्टर बिल्कुल इसको ढूंढना भी चाहिए इसके लिए कोशिश भी करनी चाहिए इसके लिए मेहनत मशक्कत भी करनी चाहिए और ये लाजमी है और ये अल्लाह की सुन्नत है कि बग़ैर अपनी कोशिश किए काविज किए मेहनत किए अल्लाह साल आपको हलाल का रिस्क नहीं देगा तो ये अल्लाह ताली की सुनत है ये तो लाजमी होगा हो ही होगा लेकिन एट द सेम टाइम वन वी से दिस इज़ नॉट द एंड गोल दिस इज़ नॉट द प्राइमरी फोकस तो उससे बुनियादी तौर पे मकसद क्या है और अगर हम इसको एक बिल्कुल एक लॉजिकल टर्म्स में बात करें तो इससे मुराद ये बुनियादी तौर पे कि हमारी जो लाइव्स हैं आपके ख्याल में आरधे फाइनाइट और आर द इनफाइनाइट हमारी जिंदगियाँ वैसे ये ट्रिक क्वेश्चन था आप लोग कन्फ्यूज हुए इसका मतलब ठीक है हमारी लाइफ फाइनाइट भी और हमारी लाइफ इनफाइनाइट भी फाइनाइट जो कैसे है कि हमारी ये जो जिंदगी है जिसमें हम यहाँ रह रहे हैं दुनिया के अंदर ऑब्वियसली दिस इज फाइनाइट और इससे मेरे ख्याल से कोई कोई मलहित भी होगा एथीज भी होगा उसको भी किसी को इनकार नहीं होगा इस बात से कि मरना तो है ही है सब ये बात मानते हैं जिस पर इख्तलाफ है ना वो इख्तलाफ अगली वाली जिंदगी के ऊपर है और हम बहसीत मुसलमान ये बात तस्लीम करते हैं और ये बात मानते हैं कि हमारी इसके बाद जो ज़िंदगी है वो अबदी ज़िंदगी है ये वो ज़िंदगी जो नेवर एंडिंग है तो हमारी ज़िंदगी जो है वो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इट इज़ इन फ़ाइनाइट और यहाँ वाली ज़िंदगी जो है जो ये फ़ाइनाइट है तो जो पैसा है हमारा ये आपके ख्याल में ये हमारी इस इस ज़िंदगी की ज़रूरत है या उस वाली ज़िंदगी की जरूरत है इस ज़िंदगी की ज़रूरत है क्योंकि ये हमारी इस ज़िंदगी की ज़रूरत है तो हम करते हैं हम सोचते ही हैं कि जो हमारी गमी खुशी और जो एम्टीस की सारी की सारी कैफियात होती है दिल से आती हैं दिल से आती कि नहीं आती दिल कर रहा है मेरा मेरा दिल भोजल हो रहा है मेरा ये दिल नहीं कर रहा है ये काम करने का ये सारी जो कैफियात हैं दिल से आती हैं दिल से आने से मुराद क्या है दिल से आने से मुराद, से आने से मुराद ये कि बुनियादी तौर पर यह आपकी नफ़ की तरफ से चीज़ हो रही है ठीक है इट इज़ समथिंग डीपर इन मेरी चाहत को या किसी चीज़ का बुरा लगना इस चीज़ को आप साइकोलॉजिकल टर्म्स के अंदर या साइंटिफिक टर्म्स के अंदर एब्सोल्युटली एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी चीज़ को हासिल करने से डोबामिन रिलीज़ होती है तो मुझे अच्छा लगता है मुझे खुशी महसूस होती है लेकिन उसकी चाहत कहाँ से क्रिएट हुई या क्या करना है ये जो थाट प्रोसेस ये कहाँ से आए यू कैन नॉट जस्टिफाई दिस और ये जस्टिफिकेशन क्यों नहीं है क्योंकि इट इज़ कमिंग फ्रॉम द सोल ये आप जो आप ज़ात है आपकी एक्चुअल जो आपकी जत है ये वहाँ से बात आ रही है आपकी ज़ात जो है ये वो नहीं है जिसके अंदर आप सामने मौजूद हैं जिसमें आपका क्योंकि जब हम फोर्थ रहते हैं तो हम क्या कहते हैं डेड बॉडी यहाँ रख दिए हम ये नहीं कहते कि हैदर को उठा के यहाँ रख दो या इसको दफना दिए ऐसे ही है हम कहते हैं बॉडी मैयत की तरह ये कहते हैं हम तो बुनियादी तौर पर इंसान जो है इंसान और आपकी जो ज़ात है यह आपका सोल है यह आपकी रूह है ठीक है जिसके अंदर आपका नफ्स भी शामिल है तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है और इसकी जो कन्फ्यूजन थे सारी की सारी वो एक हायर लेवल के ऊपर है और वो एक हायर पर्पज़ के ऊपर फोकस्ड है अगर वो इनको ये पर्पज़ नहीं मिलेगा तो उसके अंदर एक एम्प्टीनेस रहेगी सारी ज़िंदगी रहेगी हम क्या करते हैं हम उस एम्प्टीनेस को उस खला को पुर करने की कोशिश करते हैं कभी पैसे से कभी लग्जरी से कभी घूमने फिरने से कभी इंटरटेनमेंट से अक्सर अवत और अमूमी तौर पे होता क्या है उसकी वजह से नतीजा तो नहीं होता है कि हम मुबला हो जाते हैं एक चीज़ जिसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन डिप्रेशन की दो टाइप्स होती हैं अगर आप में से किसी को शौकीन हो साइकोलॉजी का एक टाइप होती है आपकी क्लिनिकल डिप्रेशन ये वो डिप्रेशन है जिसके बारे में हम भी ये कहते हैं कि अगर किसी को डिप्रेशन हो रहा हो तो उसको ये मत कहो कि नमाज पढ़ो डिप्रेशन ठीक हो जाएगा ये वो डिप्रेशन है ये क्लिनिकल डिप्रेशन है ये केमिकल लोचे की वजह से हो रहा है तो इसको ठीक करने की कोशिश जो है वो दीन के जरिए ना की जाए इससे हेल्प हो सकती है लेकिन दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन दूसरी जो टाइप है ये होती है एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन ये होती है उस खला की वजह से जो हम मेरी और आपकी ज़िंदगियों के अंदर पैदा होता है गलत प्रायोरिटीज़ की वजह से तो अक्सर होता ही है कि जब हम कहीं पहुंच जाते हैं तो हमें उसके बाद एहसास होता है कि दिस वॉज नॉट द आंसर तो कमिंग बैक टू द पॉइंट अब्दुल्ला भाई से जब मैं बात कर रहा था घर पर कि क्यों जिंदगी के अंदर पैसा जो है वो खुशी का बायस नहीं बनता क्यों क्योंकि इट इज़ समथिंग फाइनाइट और हमारी जिंदगियां जो है वो इनफाइनाइट हैं तो हम इनफाइनाइट बीइंग्स होने के नाते अपनी ख़ुशी को और अपनी सेटिस्फैक्शन को और अपनी कंटेनमेंट को जोड़ें किस चीज़ के साथ ऐसी चीज़ के साथ जो कि फ़ाइनाइट है तो आपके ख्याल में क्या ये कभी आपको हकीकी मानों में खुशी दे सकेगी नहीं दे सकेगी और जो लोग ज़िंदगी में इस जगह पर पहुँच चुके हैं कोई भी चीज़ है ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है आप लोगों के यार ये मोल भी हमेशा पैसे के खिलाफ ही बोलता है कि ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है ये दुनिया में किसी भी चीज़ की बात है अगर आपको किसी से मोहब्बत है आपको वो शख्स हासिल हो जाए ठीक है आपको कोई गाड़ी अच्छी लगती है आपको वो गाड़ी मिल जाए ठीक है आपको पैसों की बात है आपने कोई जगह घूमनी थी आप वो जगह घूमें जब वो चीज़ आपको मिल जाती है उसके मिल जाने के बाद आपको एहसास होता है कि यार अच्छी है लेकिन इतनी अच्छी नहीं जितना मैंने सर पर सवार किया होता इट वॉज़ गुड ठीक है मतलब कि यार अगर मुझे दोबारा से इसके लिए मेहनत करनी पड़े तो मैं करूँगा थिंक अबाउट इट ठीक है मैंने इन्जॉय कर लिया इसको दोबारा सोचूंगा इसके बारे में तो ये कैफियत जो होती है ना ये आपको जो हकीकी मानों में जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव करते हुए नहीं होती है और यही वो खलाए जो पुर करने के लिए जो नॉन मुस्लिम्स या इवन ए जो किसी खुदा को नहीं मानते किसी गुड बैड को नहीं मानते वो भी जो है ना वो लोगों के लिए लोगों को खाने खिला रहे होते हैं अफ्रीका में गरीब बच्चों के लिए खाने का इंतज़ाम कर रहे होते हैं और जितने भी जो आप कहें कि वेलफेयर के काम कर रहे होते हैं वो इसीलिए कर रहे होते हैं जो अपने अंदर का वो जो ख़ला है उसको पु करने के लिए कर रहे होते हैं तो अलहमद आप लोग इस लिहाज से लकी हैं कि आप लोग जहाँ पर अपने करियर को भी प्रोग्रेस कर रहे हैं साथ साथ तो आपके पास ये भी मौका वक्ता फ़वकाता बीच में प्रोवाइड किया जाता है आप लोगों को कि इस हकीकी जो मकसद है इसको इन ना भूलें अभी आ जाते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ दैट इज़ रमजान रमजान हमारी ज़िंदगी में जब आता है तो हम लोग ये बात अक्सर अकात आपने सुनी होगी कि जब रमज़ान आता है तो आ, जो शैतिन बंद हो जाते हैं जिन जिन बंद हो जाते हैं शैतान बंद हो जाता है इस बात को ज़रा मैं एक्सप्लेन कर दूँ तो जरा मजीद इस बात से मुराद क्या है हाँ इस बात में हकीकत है क्योंकि हदीस से साबित है अल्लाह के नबीस ने बात फरमाई इससे उसे होता क्या रमज़ान वो महीना है जिसमें आसमानों में चेंजेस आते हैं अल्लाह के नबी उसमें फरमाते हैं कि रमज़ान की जब ऑनसेट होता है उस वक्त चाँद नज़र आने के बाद अल्लाह सुबहाना ताली जो है वो जन्नतों के दरवाज़े खोल देते हैं और दो के जो है वो दरवाज़े बंद कर देते हैं और साथ साथ क्या करते हैं शयातन को जो है वो चेन कर देते हैं इनको बंद कर देते हैं यानी इतने बड़े बड़े चेंजेस जो हैं वो आपकी ज़िंदगी के अंदर आ रहे हैं इसके अलावा रमज़ान के अंदर अगर आप और सोचें तो और क्या चेंज आता है रमज़ान जो है ना ये आपके साल का रीसेट बटन है आप समझे रीसेट बटन में क्यों कह रहा हूँ रीसेट बटन में इसलिए कह रहा हूँ आपके पास ये मौका होता है कि पूरे साल जिस बेरा रबी का हम शिकार होते हैं जो हमने लुट मचाई हुई होती है लिटरली आपके पास ये एक मौका आता है जिस टाइम पे वाक़ता शायदीन बंद हुए होते हैं अगर आपको इस बात को प्रैक्टिकली देखना है कि शायदीन बंद होते हैं बल्कि मैं आपसे सवाल करता हूँ शायदीन कितने किस्म के होते हैं जन्नात नहीं कह रहा मैं इस वक्त मैं पूछ रहा हूँ शायतीन कितने किस्म के होते हैं शैतान कितने किस्म के होते हैं दो किस्म के होते हैं एक होते हैं इंसान <laughs> और दूसरी और किस्म होती है जन्त और अल्लाह से माता ने ये बात एग्जैक्टली जो है वो जब आप पना मांगते हैं अल्लाह से मातला से हिफा की दुआ करते हैं तो आप कहते हैं अल्लाह मेरी हिफात करना किससे मिनल जन्नती व नास उन शाइन से जो जिनों में से भी हैं और इंसानों में से भी हैं एंड दिस इज़ नॉट अ फिगर ऑफ स्पीच इंसानों में भी शैतान होते हैं अच्छा अब आप सोच तो रहे होंगे शैतान से मुराद इसका मतलब है गुनागार लोग बुरे लोग वो लोग हैं तो मैं थोड़ी सी वो भी डिफ्रेंसीशन कर दूँ फासिक होता है फासिक जिसको कहते हैं गुनहगार जो खुद गुनाहों में मुबतला होता है और जो खुद गुनाह करता है ठीक है ये होता है फासिक ये होता है गुनहगार इंसान बहुत सारे मिलते हैं हम सब गुनहगार हैं किसी न किसी कैपेसिटी में हम सब गुनहगार फासिक वो होता है जो एक हद से ज़्यादा बढ़ चुका हो बहुत ज़्यादा गुनहगार जो होता है अच्छा शैतान क्या होता है शैतान वो होता है जो खुद गनाकार है या नहीं वो एक और बात है वो दूसरों को जो है वो एंटाइस करता है वो दूसरों को जो है वो बुराई की दावत देता है तो जब हम कह रहे हैं कि इंसानों में से भी शायतीन होते हैं तो ये कोई मायूब बात नहीं है कोई एबनॉर्मल बात नहीं है ये वही लोग हैं जो आपको कहते हैं कोई बात नहीं एक सूटा लगा लो कुछ भी नहीं होता ये वही दोस्त हैं जो कहते हैं कि यार तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं अभी तक यार ये तुम मर्द हो भी कि नहीं तुमसे कोई सेट ही नहीं होती ये वही ये वही लोग हैं सारे के सारे तो इसलिए इन लोगों के बारे में परेशानी ना कि ये को लोग कौन है कहाँ से आते हैं तो ये शायद जब बलता कह रहे हैं मैं बंद कर देता हूँ चेंज कर हूँ आप उसकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल रमज़ान के अंदर हमारी लाइफ में देख लें वही बंदा जो आपको शीशे लगा के देता है और उसके अंदर फ्लेवर भी बताता है कौन सा अच्छा है घर में आके सेटअप करता है घर से ले आता है अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख के ये वही दोस्त रमज़ान के अंदर आपको कहता है कि भाई जान ये रिंग टोन लगी हुई है तुम्हारी म्यूज़िक बज रहा है क्या कर रहे हो रमज़ान है ख़ुदा खौफ करोगे रोज़ा है गाली मत दो है कि नहीं य जिस आर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल हमारी लाइफ में हो रहा होता है ये तो अल्लाह से माता रमज़ान की बरकत से किस तरीके से हमारे लिए ये बहुत सारे चेंजेज़ जो है वो, हैं वो ज़िंदगी में लेके आए थे और बुरे से बुरा इंसान भी जो है वो रमज़ान के अंदर जो है ना वो अल्लाह का वली बन जाता है बुरे से बुरा शख्स भी जो है रमज़ान के अंदर अल्लाह का वली बन जाता है अच्छा अब बायद वही जो हम डिस्कशन कर रहे हैं रमज़ान की अहमियत के ऊपर बात कर रहे हैं अक्सर वात लोगों के जहन में ये बात आती है कि क्या ये रस्मी किस्म की गुफ्तगु है क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि रमज़ान के अंदर टी वी चैनल्स को पी आर मिलती है तो इसलिए रमज़ान के अंदर जो है ना वो रमज़ान शोज़ होते हैं और जो पूरा साल नाचते हैं वो आके रमज़ान के अंदर टी वी के सामने हमें दीन सिखाते हैं ये हो रहा है आई डोंट माइंड दिस बाय द वे अच्छी बात है एटलीस्ट एक एक महीना तो अच्छा काम कर रहे हैं ना अच्छी बात है करने दो तो। इसके ऊपर हम बाद में आते हैं इसके ऊपर बाद में आते हैं लेकिन क्या ये हम रस्मी तौर तो पर कर रहे हैं क्या ये हमारे माशरे का ट्रेंड है या क्या ये अल्लाह के नबी वसम से भी साबित है या ये सहाबा से भी साबित है तो बिल्कुल ये सहाबा से भी साबित है साबित कैसे है कि सहाबा रजी अल्लाह तजमाइन वो क्या किया करते थे वो एक दूसरे को दुआ दिया करते थे कि अल्लाक ना रमज़ान कि अल्लाह ताली हमें रमज़ान तक पहुँचा दे कि हमें रमज़ान नसीब हो जाए इसके अलावा वो साथ, -साथ एक, एक रिवायत में आता है कि जो सहाबा थे वो क्या किया करते थे और जो सरफ़ साल थे तो जो हमारे राइटस प्रसर्स हैं वो क्या किया करते थे वो छः महीने तक छः महीने तक जो रमज़ान गुजरे उसकी कबूलियत की दुआ किया करते थे कि अल्लाह हमने जो रमज़ान गुजारा है इसको हमसे कबूल कर ले इस पर हमने मेहनतें की हुई हैं ये हमसे कबूल कर ले और उसके बाद अगले पाँच महीने जो हैं, वो ये दुआ किया करते थे कि अल्लाह हमें रमज़ान तक खैर वाफिया तक पहुँचा दे तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये कोई एग्जेज्रेशन किसी भी कैपेसिटी के अंदर नहीं है कि सहाबा जो हैं, वो इसके बारे में बहुत फिक्रमंद होते थे कि किसी तरीके से हमें रमज़ान जो है वो नसीब हो जाए और रमज़ान नसीब होने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बहुत सारे बेनिफिट्स इसका आप इंदाजा यहाँ से लगा लें लंबी अदी से मैं उसको पैराफ्रेज करके शॉर्ट करके बताता हूँ आपको एक अल्लाह के नबी अलम के पास जो है ना वो उनके ज़माने के अंदर साहबा के पास दो लोग आए उन्होंने एक ही वक्त में इस्लाम कबूल किया मशहूर हति से उन्होंने एक ही वक्त में इस्लाम कबूल किया उनमें से एक शख्स जो है वो नेचुरल मौत मर गया सॉरी एक जो है नेचुरल मौत मरा और अगले साल मरा और एक जो है वो पहले उसी साल मर गया जिस साल इस्लाम ले गया था तो वो उसी साल अल्लाह की राह में लड़ते हुए जहाद करते हुए मारा गया शहीद हो गया आपके ख्याल में कौन सा शख्स होगा जो ज़्यादा अफजल होगा ये जिन्होंने सुना मैं पहले से वो ना बोले अमूमी तौर पे अमूमी तौर पे हमारा रिएक्शन क्या होता है रिएक्शन ये होता है यार जहाद फी सभी ये सबसे अफजल तरीन आवा में से एक हदीस में आता है ठीक है तो जो जिसने जहाद में अल्लाह की राह में जो शहीद हुआ है बंदा वो यकीन सबसे ऊपर होगा तो एक हदीस में आता है कि एक बंदे ने कहा कि मैंने देखा वो जो बंदा बाद में फ़ोत हुआ था मैंने देखा कि वो भी जन्नतों के अंदर और वो ज़्यादा अला मरतबे के ऊपर है तो अब बाकी सारे साहब ने कहा यार ये, ये क्या माजरा है ये, ये क्या सीन है जाके अल्लाह के, के नबी से हमसे पूछा अल्लाह के नबी से जब पूछा जा कि ये मामला हमने देखा है तो इसकी क्या ताबीर है तो ये कैसे हो सकता है कि बंदा जो जिहाद कर रहा है जो मुजाहिद है वो और वो बराबर हो गई है वो उससे भी ज़्यादा आगे निकल के जो बाद में फ़ोत हुआ है जो जो नेचुरल मौत म रहे तो अला के नबीम ने आगे सर में तुम्हें इस बात में तजुब क्यों होता है तुम्हें क्या ये बात मालूम नहीं थी कि जो दूसरा बंदा जो नेचुरल मौत मरा है उसको एक और रमज़ान नसीब हुआ था यानी इसकी इतनी बड़ी वेटेज है इसकी इसका इतना बड़ा रुतबा और इतना बड़ा इसका मरतबा है और इसके अलावा रमज़ान की अगर हम बात करें तो मैंने कहा ना ये आप लोगों के पास रीसेट बटन है रीसेट बटन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है ये साल का वो महीना है कि लूट सेल है आपकी अगर आपने पूरा साल कुछ नहीं किया था ना कुछ नहीं किया था कोई टेंशन नहीं पूरा साल कुछ नहीं किया कोई टेंशन नहीं है ये वो साल है कि अगर आपने कुछ भी नहीं किया महीने इस महीने को अगर आपने पूरा कैश कर लिया तो इन अगले पिछले सारे माफ़ हो जाएंगे ये मैं बाय द वे सिर्फ लफाजी नहीं कर रहा अदीश मौजूद है इसके ऊपर कि जिस बंदे ने ईमान और एहतसाब की नीयत से रमज़ान के सारे रोज़े रखे उसके अगले पिछले सारे को माफ़ हो एक और इसमें आया जिसने ईमान और एहतसाब की नीयत से रमज़ान के अंदर क़याम किया रातों को खड़ा हुआ उसके अगले पिछले सारे को ना माफ़ होगा तो ये मैं लफाजी नहीं कर रहा ये अल्लाह के नबी वसम के फरमान है ये क्लियर कट ये इतनी खुल्ली खुल्लम खुल्ला वहीदे हैं और इतने सारे बेनिफिट्स हैं इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि अगर आप इस गिफ्ट को वेस्ट करेंगे ना तो ये आपकी बदकिसमती है ये आपकी बदकिसमती है और वल नज़ीम अगर आपको मैं अगर कोई गिफ्ट देता हूँ अगर आप उस गिफ्ट को मैं बाद में आके देखता हूँ मैंने आपको बहुत महंगा गिफ्ट दिया और आप उस गिफ्ट को यूज़ कर रहे हैं मैं बाद में देख लेता हूँ तो मुझे क्या अच्छा लगेगा हर नहीं आपको क्या अकलमंद कहा जा सकता है क्या ये अकलमंद बंदा है मैं आपको गाड़ी गिफ्ट करता हूँ यार ये लो यार ये आप फॉर्चूनर चलाओ मैं कुछ अरसे बाद वापस आता हूँ मैं देखता हूँ यार आपने जो है ना उसका बम्पर उतारा हुआ है उसके ऊपर रक्षे वाली लाइटें लगाई हुई हैं ठीक है ना उसके शीशे भी उतारे हुए हैं अजीब हो गई गाड़ी को टक्कर छक्करे मारी हुई है मुझे क्या उसमें खुशी होगी नहीं मैं कहूँगा यार इसने जो मैंने इसको तोहफ़ा दिया था इसने उसकी बेहरमती की है इसने उसको वैल्यू नहीं किया तो अल्लाह से माता तला अपने बंदे को इतनी सारी लूट सेल दे रहा है इतनी सारी ऑप्शन दे रहा है इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है और बंदा आगे से नतीजे में उसको उसके बारे में फ़िक्रमंद भी ना हो सैरी पे शैरी पे उठे रोज़ा रखे और सोए और फिर उसके बाद इफ्तार पे उठे उसके बाद जो है ना वो जाके मर मुर के पहले पाँच दिन जाके आठ त्रराफियाँ पढ़ ले उसके बाद त्रराफियाँ भी छोड़ दे उसके बाद उसकी इबादात के अंदर भी कोई इजाफा ना हो दुआ के उसकी कोई दुआ भी ना हो और रमज़ान से वो उसी तरीके से वापस निकल जाए जिस तरीके से वो पहले निकला था इससे ज़्यादा कोई बदकिस्मत इंसान हो सकता है इससे ज़्यादा कोई बेवकूफ़ आदमी हो सकता है सवाल ही पैदा नहीं होता तो ये इंतहाई बदकस्मती की बात होगी अगर आप इस टाइम को अपने हाथ से जो है वो निकालते हैं और याद रखिएगा हमेशा एक बात मैं बोलता हूँ एक प्रोवर्ब है कि अगर आप अल्लाह ताला से दूर महसूस कर रहे हो ना अपने आप को अल्लाह ताला मुझसे दूर हो गए बहुत ज़्यादा तो याद रखिएगा अपने आपसे सवाल कि हु मूव्ड अल्लाह ताला अपनी जगह पे मौजूद है और अल्लाह ताला जो है ना वो आपके अमाल की वजह से अपना तामुल आपके साथ चेंज नहीं करते क्योंकि अल्लाह समाज अल्ला की जो सुन्नत है वो हमारे अमाल की वजह से तब्दील नहीं होती है ही इज़ कंसिस्टेंट और अल्लाह की ज़ात को हमारे अमाल से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता ज़र्रा बराबर में फ़र्क नहीं पड़ता ना कोई बेनिफिट है और ना कोई नुकसान है तो इसलिए अल्लाह की ज़ात जो है वो हमसे दूर नहीं होती कभी भी याद रखें जब हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताली हमसे दूर हो गए मैं अल्लाह से बहुत दूर हो गया हूँ तो आप ये देखें कि आप दूर क्यों हैं एंड दिस टाइम इंद रमादान इज़ द परफेक्ट टाइम टू री सेट और एक और बात बता दूँ बल्कि मैं भूलने लगा था रमज़ान जो रमज़ान का वर्ड है आपको पता मतलब है इसका मतलब क्या है इसका लिटरल मतलब क्या है ये वर्ड जो रखा गया रमज़ान का जो नाम रखा गया था ये तो अल्लाह ताला की तरफ से रखा गया था ये बात तो पता है ना आपको क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान, कुरान मजीद का जो कुरान मजीद के अंदर रमज़ान का वर्ड पहले से रख दिया कि रमज़ान के अंदर हमने कुरान को नाजिल किया ये कुरान के अंदर पहले से दर्ज है और कुरान मजीद जो है ये कई हज़ार साल पहले लिखा जा चुका है और लोहे महफूज पे महफूज है ठीक है तो ये, ये अरबी लैंग्वेज इस्टेब्लिश होने से भी पहले रमज़ान का नाम रखा जा चुका था और मज़ेदार बात रमज़ान जो वर्ड है इसका मतलब पता है क्या रमज़ान वर्ड का लिटरल मीनिंग है जराना टू बर्न शायद ये आपके पहले नई बात हो और ये क्यों क्यों कहा जाता है कहते हैं स्कॉलर्स कहते हैं कि ये इसलिए कहा जाता है कि ये आपके गुनाहों को आपके अगले पिछले गुनाहों को और आपके इस तमाम तर पिछले बुरे अमाल को जला के राह करते थे और आपके पास एक क्लीन स्लेट होती है एंड यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अ फ्रेश तो इसीलिए उन लोगों में से नहीं बनना जो रमज़ान के अंदर रमज़ान के अंदर जो है ना वो तीन किस्म के लोग होते हैं कितने किस्म के लोग होते हैं तीन किस्म के लोग होते हैं पहला बंदा वो है जो रमज़ान के अंदर जब दाखिल हुआ है तो जो अल्लाह की नज़र में उसकी वक्त थी जो उसकी हैसियत थी जो उसका इकराम था वो रमज़ान के बाद और ज़्यादा गिर गया दूसरी टाइप वो है जो रमज़ान के अंदर उसकी कोई ना उसके अमाल ज़्यादा ऊपर ऊपरों हैं या ना नीचे हुए हैं उसकी वही रूटीन रही है उन्नीस बीस का फर्क पड़ा फ़राइज पूरे की रोज़े रखें दैट सेट और कुछ भी नहीं किया और तीसरा बंदा वो है तीसरा बंदा वो है जो बंदा रमज़ान के अंदर अपनी स्लेट साफ़ करवाने के बाद उसके बाद अपने गुनाह बख्शवा लेता है और अपनी बख्शिश करवा लेता है और अपनी जो है ना वो ज़ीरो ज़ीरो कर लेता है अपना मीटर रीसेट करवा लेता है मेरा आपसे सवाल है आपके ख्याल में इन तीनों में से कौन सा बंदा खसारे में नुकसान में कौन सा बंदा पहला और दूसरा ज़बरदस्त बिल्कुल पहला और दूसरा बंदा दोनों खसारे में पहला और दूसरा बंदा दोनों खसारे में सिर्फ वो नहीं जिसके अमाल नीचे गए अल्लाह की नज़र में नहीं वो शख्स जो स्टैटिक भी रहे वो भी मुबारकबाद का मुस्तक नहीं है रमज़ान के बाद क्योंकि अल्लाह के नबी सल एक हदीस मौजूद है कि अला के नबी समझे मंबर के ऊपर चढ़े थे मशहूर हदीस है अला के नबी जो है वो मंबर के ऊपर चढ़ देते थे और हर स्टेप के ऊपर कहते हैं आमीन 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 तीन मरतबा का बाद में साहबा ने पूछा यहाँ क्या क्या मामला है आपने आमीन आमीन क्यों कहा ये स्टेप्स के ऊपर चढ़ते हुए क्योंकि नहीं सुनना तो था क्या ये तो अलग नबी वन पाते हैं कि मेरे पास जवरीली अमीन आए थे और उन्होंने आके तीन दुआएं की वो तीन दुआएं क्या की थी वो तीन दुआएं की थी कि तबाह तबाव बर्बाद हो वो शख्स जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मेरे ऊपर सलाबाद ना वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बोले तबाह बर्बाद हो वो शख्स उसके ऊपर ये कौन कह रहे हैं यबिल कह रहे हैं आमीन कौन कह रहा है अल्लाह के नबी सल वसम और जब अल्लाह के नबी सल्ह वसलम कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है ये वो शख़्स है ये वो अल्लाह ताल की मखलूक ये अल्लाह का वो बंदा है जिनको कहा गया ये रहमत आलमीन है इन सज़ा कोई रहमदिल नहीं है जिन्होंने अपनी ज़ात के लिए कभी गुस्सा नहीं किया इन्होंने हर किसी को माफ़ कर दिया इन्होंने आम माफ़ी की अनाउंसमेंट कर दी मक्के के अंदर यानी इसकी इतनी बेशुमार मिसालें अल्लाह तला के नबी वसल्लम की रहम की जिसकी मतलब हम अभी अगर ये शुरू कर दें तो ये सीरत के ऊपर लेक्चर शुरू हो जाए लेकिन वो क्या कह रहे हैं वो इन मामलों के ऊपर कह रहे हैं आमीन दूसरी बात क्या की दूसरी बात की तबाह बर्बाद वो शख्स हो जाए जिसके माँ बाप में से एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाए और वो उनकी खिदमत करके जन्नत न कमा ले वो भी दबाव बर्बाद हो जाए अल्लाह के नबी सदन उसके लिए आमीन कह रहे हैं हो जाए तबाह बर्बाद और तीसरा शख्स कौन है तीसरा वो शख्स है जिसको रमज़ान मिले रमज़ान नसीब हो और रमज़ान नसीब हो जाने के बावजूद वो अपनी बख्शिश ना करवा ले ये भी तबाह बर्बाद हो जाए शख्स अल्लाह के नबी सल से कह रहे हैं इसके बारे में तो यानी जो मैंने आपको ये जो आपके सामने एक एनालॉजी रखी है उन उनती नश्वास की ये रैंडम नहीं है ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ तो अगर इस महीने से अगर हम इसी तरीके से निकल जाते हैं एज इट इज़ तो हम इंतहाई खसारे उठाने वालों में से और इंतहाई बेवकूफ़ लोगों में से और ये मौका व नजीम याद रखें यह या आपको हर साल नहीं मिलेगा मौका ये आपको हर साल नहीं मिलेगा अगर आप सोच रहे हैं ना हमारे यहाँ बहुत लोगों की ये सोच होती है और ये एक फ़िक्र होती है कि मैं एक सर्टन एज पर पहुँच जाऊँ फिर कर लूँगा मैं करियर को इस सर्टन पॉइंट पर पहुँचा लूँ मैं फिर अल्लाह अल्लाह कर लूँगा ठीक है ये तुम्हारी की उम्र है अभी अल्लाह अल्ला करने वाली ठीक है और हम जब रिटायरमेंट की एज में पहुँच जाते हैं नॉट टू डिमीन दोज गाइज़ नॉट टू डिमीन दोज गाइज़ बढ़ापे में भी जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है अलमदल किसी भी उम्र में मौका दे रहे हैं लेकिन अगर ये बंदा सोच के बैठा हुआ है सारी जिंदगी कि मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा उसके बाद हज कर लूँगा उसके बाद दाढ़ी रख रखूँगा सफ़ेद रंग की और मस्जिद के अंदर पाँच दिन का नमाजी हो जाऊँगा फ्रंट रो में बैठ जाऊँगा और फ्रंट रो के ऊपर कब्जा कर लूँगा और बच्चों को लाते मार के पीछे कर दिया करूँगा तो ये आपकी ग़लत फहमी जब कब्रिस्तान का चक्कर लगा लें आपको नजर आ जाएगा कि कितने लोग थे जो कि साठ सत्तर साल की उम्र तक नहीं पहुँचे उससे पहले कब्रों में पहुँच गए आपके पास इस बात की कोई गारंटी किसी किस्म की भी नहीं है ये बात अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने जहनों के अंदर जो है ना ये बिठा लीजिएगा और एक और बात साथ याद रखिए जो मैंने बीच में, में मेंशन की थी वो टीवी चैनल के एंकर्स वाली बात की थी मैंने जो हमें टीवी चैनल्स के ऊपर अक्सर अवकात खवीन मिलती हैं कभी बेपर्दा कभी नीम पर्दे में कभी पर्दे में कभी एक्टर एक्ट्रेस मिलते हैं हम उनके बारे में अक्सर अकात एक कॉमेंट करते हैं और हमारा दीनदार तबका भी ये करता है वो क्या कहते हैं कि पूरा साल नाच गाना करके और अभी हमें दीन सिखाने के लिए आ गए इनको अब तोबा याद आ गई है ठीक है कोई बंदा अगर रमज़ान के अंदर चेंज होने की कोशिश कर रहा हो तो कहते हैं सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली ठीक है इसको पता नहीं क्या हो गया एकदम से हाजी हो गया पूरा का पूरा ठीक है तो आप मुझे बताएं क्या ये दुरुस्त है ये कहना ठीक बात है या या ठीक बात है ये जायज़ बात है पूरा साल किसी ने लिफ्ट नहीं करी अल्लाह याद नहीं आया रमज़ान के अंदर याद आ गया अल्लाह प्रिसाइसली रमज़ान है ही गुनागारों का महीना रमज़ान है ही मेरी और आपकी तरह के उन लोगों के लिए जिनको पूरा साल मौका नहीं मिला जिनको किसी ने याद दहानी नहीं करवाई जिनको माहौल नहीं मिला जो काम में मसरूफ रहे हैं या कोई भी रीज़न थी चाहे उनकी आंखों के आगे पर्दा आया हुआ था चाहे शैतान की बातों में आ गए थे चाहे बुरी कंपनी थी वट एवर द केस वॉज अल्लाह से मदला इन सारे रीज़न्स को बिल्कुल साइड लाइन करके उनको एक मौका प्रोवाइड कर रहे हैं कि अब मेरे पास वापसी आ जाओ वो उनको एक महीना मिल रहा है और उस रमज़ान के अंदर जो बंदा अल्लाह की तरफ वापसी आने की कोशिश कर रहा है वी हैव दी ऑडेसिटी टू से टू दैट पर्सन कि तुम मौसमी नमाजी है ये दुरुस्त बात है ये इंसानियत है यार आप एक तरफ से कहते हो रमज़ान की कदर करो रमज़ान में अल्लाह के करीब हो और जो अल्लाह के करीब होने की कोशिश कर रहा है उसको आप कह रहे हो तो मौसमी नमाजी हो ये कहाँ की लॉजिक है और ये लोग दीन कहाँ से पढ़ के आते हैं है? मुझे समझ में नहीं आती है बात तो ये ये इंतहाई शर्मनाक बात है जो ये ये लोग ये कामेंट्स करते हैं अगर आप पूरा साल नमाज पढ़ते हो तो किसी पर एहसान नहीं करते ये उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ जो लोग दीनदार हैं अगर आप पूरा साल नमाज पढ़ते हो तो आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे ये आप अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं एंड यू डिज़र्व नथिंग लोगों से आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं डिज़र्व करते आप डोंट फील एंटाइटल्ड अगर रमज़ान के अंदर कोई नौजवान या मुझ में आप में से कोई गुनागार अगर रमज़ान के अंदर इतनी तरतीब बना रहा है अपनी कि पहली सफ़ के अंदर खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहा है उसमें अगर कुछ बाबों को तकलीफ़ हो रही है कि ये मेरी जगह थी तो उनका नाम नहीं लिखा वहां पे इसी इसी काम के लिए रमज़ान आया था इन्हीं गुनागारों के लिए रमज़ान आया था कि पर हैप्स द माइंड रिटर्न टू अल्लाह मतलब शायद ये तबा कर लें इसी के लिए रमज़ान आया था तो अगर वो गुनागार वापस लौटने की कोशिश कर रहा है एक तरफ से कहते हो खुदा खौफ करो रमजान है और एक तरफ से वो खुदा खौफ करता तो उसको कहते हो कि मौसमी नमाजी मतलब ये क्या काउंटर इंटोएटिव किस्म की मतलब एक लॉजिक है ये ये बेवकूफ़ाना हरकत है और मैं समझता हूँ कि ये ये बहुत अफसोसनाक हरकत भी और ये बहुत बड़ा गुनाह भी है ये बहुत बड़ा गुनाह है कि आप लोगों को टर्न ऑफ कर रहे हैं अल्लाह के दीन से और लोगों को आप मायूस कर रहे हैं तो अल्लाह से माल तो वहीं पर मौजूद हैं और लोगों को बार बार बल्क में माफ़ियाँ कर रहे हैं तो बल्क में माफिया माफ़ी माफ़ी कौन मांगता है गुनागार मांगता है तो गुनागार को माफ़ी मांगने तो यार उसको तलगीन दिलाओ अगर वो कुछ छोटी सी चीज़ भी कर करें छोटी सी चीज़ भी कर रहे हैं मुझ में आपने में से मैं कोई बंदा भी एक छोटा सा काम भी कर रहा है ना अगर मिसाल के तौर पर अगर वो नमाज़ पढ़ रहा है लेकिन वो गलतियाँ कर रहा है नमाज़ में उसको नमाज़ पढ़ने तो उसकी असलाह आहिस्ा आहिस्ता करते रहो साथ सा। अगर वो मस्जिद नहीं जा रहा था पहले वो मस्जिद जाना शुरू हो गया तो अच्छी बात है अलमदिल्ला जाने दो उसको अगर उसके वज़ू में गलती है तो यार आया तो ना सिर्फ आप उसको खुश बजाय उसका मजाक बनाओ आपको इस बात पे खुश होना चाहिए कि उसको मौका मिल गया मौत से पहले पहले तबाह करने का सोचें उन लोगों के बारे में उन, उनकी क्या कैफियत होगी जो सारी जिंदगी जिनको पाकि तहारत के मसाइल नहीं पता जिन्होंने सारी ज़िंदगी पाकिजगी इख्तियार नहीं की जो पाक नहीं हो सके आपको क्या लगता है उनकी कोई नमाज होगी नहीं होगी हदीस के अल्फाज हैं कि जब तक तहारत नहीं होगी तब तक आपकी कोई इबादत नहीं कबूल होती कोई नमाज कबूली होती तो इसलिए इन गुनागारों को भी इन शाला वापसी आने अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल टिप्स की तरफ आते हैं उसके बाद इन शाला वापस क्यों होने की, की तरफ़ जाते हैं प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको कुछ देता हूँ कोई आपको मैं आठ नौ टिप्स देता हूँ जितनी होगी जल्दी जल्दी में एंड वी विल डू दिस वेरी क्विकली जो पहले से मौजूद है यहाँ पे ये तकरीबन वैसे ही टिप्स हैं आप लोग दूसरों को बता दीजिएगा अगर मुझे हम जो कि जल्दी में यहाँ पे ज़रा हम जरा क्वेश्चन आंसर के ऊपर जल्दी आते हैं प्रैक्टिकल टिप्स रमज़ान के अंदर ये है कि सबसे पहली बात ये है कि इफ़ यू डोंट प्लान फॉर रमज़ान तो देन बेसिकली वट दैट मीन्स इज यू आर यू आर प्लानिंग टू फेल इसीलिए रमज़ान की तैयारी करना स्केज बनाना कोई गोल सेट करना अगर कोई कोई पर्टिकुलर स्कडूल नहीं भी सेट किया कोई एक गोल सेट करना इस महीने ये काम नहीं करना आपसे ये मैं इस पर पक्का हो रहा हूँ दिस इज़ अ मस्ट डू तो ये लाजमी है और याद रखेगा प्लानिंग करना कभी भी तवक्ल के खिलाफ नहीं होता अल्लाह देखा देखा जाएगा अल्लाह आप बखशी अल्लाह खुद कुछ कर देंगे यार अल्लाह पर भरोसा को नहीं प्लानिंग करना सुन्नत से साबित है अला के नबी अलैहि वसल्लम भी सुनत से है कि वो प्लानिंग किया करते थे हर मामले के अंदर बड़ी डिटेल्ड अंदर तो याद आया है अला के नबी सब जो है वो आ, महीने के आखिरी हिस्से के अंदर आखिरी जो दस दिन होते हैं उसके अंदर जो है वो अपनी कमर कस लिया करते थे अपनी कमर कस लिया करते थे और इबादात के अंदर और ज़्यादा बढ़ जाया करते थे और अपने घर वालों को भी इसकी तलकिन दिया करते थे कि इबादात के अंदर बढ़ो तो इसी रमज़ान की प्लानिंग लाजमी है सबसे पहली चीज़ ये कि आपने करना क्या है प्लान बनाना है वो प्लान में करना क्या क्या आपने पहली चीज़ तो ये है कि यू हैव टू प्योरीफाई योर इंटेंशनस कि मैं रमज़ान के अंदर जो भी काम कर रहा हूँ खालत के लिए कर रहा हूँ अल्लाह की ज़ात के लिए कर रहा हूँ मैंने शुरू में आपके सामने दो अदीस रखी क्याम के बारे में और रोज़े के बारे में वो क्या क्या हादीस थी कि जिस किसी ने भी ईमान और एहतसाब की नीयत से रोज़ा रखा और इसी तरह की हदीस क्याम किया उससे क्या मुराद है एहतान क्या है बेसिकली बड़ी बाय बाहतसाब यानी वो अपना एहतसाब कर रहा है अपने आप को कटहरे में खड़ा कर रहा है अपने आप को जज कर रहा है वो बंदा तो अगर वो बंदा अपने आप को जज कर रहा है वो किस जात के लिए कर रहा है किसके लिए कर रहा है किसकी खुशनुदी मतलूब है किस को सेटिसफाई करना है अल्लाह की जात को करना है ये क्लैरिफिकेशन अपने जहन में रमजान से पहले ही कर लें और बार बार उसकी याद दहानी भी करते रहें मैं इसी नहीं कर रहा क्योंकि लोग क्या कहेंगे ये तरावी पढ़ने नहीं यार रिश्तेदार क्या कहेंगे पड़ोसी क्या कहेंगे तरावी पढ़ने या नहीं तराबी पढ़नी है अल्लाह के लिए पढ़नी है रोज़ा रखना है अल्लाह के लिए पढ़ रखना है मैं इसी नहीं रख रहा यार अगर रोज़ा नहीं रखा यार लोग क्या कहेंगे यार खोजे मार है सिर्फ अल्लाह की जात के लिए खाल अल्लाह की ज़ात के लिए तो इसलिए अपनी इंटेंशन प्योरीफाई कर लें कि इस महीने के अंदर अल्लाह को राज़ी कर लेना और जो अमल भी करना है वो खालिस अल्लाह की ज़ात के लिए करना है वो पीयर प्रेशर के अंदर माहौल में आके या पब्लिक को सेटिसफाई करने के लिए या जस्ट बिकॉज़ यू डोंट लुक दन आउट इसी लिए नहीं करना सब काम अल्लाह की ज़ात के लिए खाल करना है इरिस्पेक्टिव ऑफ वट पीपल थिंक ऑफ यू ये काम आपने लाजमी करना पहला काम ये दूसरा काम ये कि अपने गुनाहों की जो है ना वो खास तौर पर तोबा कर लें रमज़ान के अंदर थ्रू आउट करते भी रहना अभी से करना शुरू कर दें और रमज़ान के अंदर थ्रू आउट करते भी रहना क्योंकि रमज़ान के अंदर जो है ना वो अला साल क्या कहते हैं फरमाते हैं कि अला साल रमज़ान के अंदर इफ्तार के टाइम के ऊपर इतने लोग इतने लोगों की गर्दने आग से आज़ाद करते हैं जितना कभी दुनिया में किसी टाइम पर और नहीं करते जितना अफ्तार के टाइम पे लोगों की गर्दनों को आज़ाद करते हैं जहन्नम की आग से इससे मुराद है कि वो लोग हु बट डेस्टिन फॉर द फायर, उनकी गर्दनों को आज़ाद करते हैं तो यानी दिस इज़ द टाइम ऑफ रिपेंडेंस मैंने बताया रमज़ान का मतलब यही है लिटरली तो इसलिए अपने गुनाहों की तोबा करें इट विल लाइटन योर बर्डन और इबादत में आपको लजत महसूस होगी आपको मज़ा आना शुरू होगा जब आप तौबा करना शुरू हो गया मानों में तोबा करेंगे जब अल्लाह के सामने गिड़ और रोएंगे उस वक्त आपकी तौबा शुरू होती है हम तो बेचारे हम हम तो इतने बदबक लोग हैं कि हम लोगों की आंखें भी अब सूख चुकी हैं मैं मैं अक्सर होगा जब अपनी ज़ात से भी मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो मुझे भी शर्मिंदगी हो रही है बात करते हुए कि हम लोग अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को रोना नहीं आता अल्लाह के सामने मतलब साहबा कौन थे ये वो लोग थे जब उनके सामने कुरान की आयात पढ़ी जाती थी तो उनके दिल नरम हो जाते थे और और इनके जिसम जो वो काँप जाते थे और ये ईमान में बढ़ जाते थे हमारा क्या मामला है मामले? कुरान पढ़ना दूर की बात है कुरान पढ़ा जा रहा हो उनकी याद दहानी की जा रही हो कुछ भी और आ रमजान आ जाए कुछ भी हो जाए मैं रोने नहीं आता मर मर के जाकर किसी सताइसी की रात को क्योंकि वो टी वी पर दुआ हो रही है इससे सुन सुन के पीछे रोलिए तो थोड़ा बहुत रो लिया डेट सेट उसके अलावा मैं रोना नहीं आता और याद रखिएगा किसी भी गुनाह से तोबा की जो पहली स्टेज है ना वो है नदामत नद मुहत तोबा जब से फरमाया नदामत ही तोबा अगर नदामत ही नहीं हो तो फिर तोबा कैसी तो अपने जो बर्डन्स हैं उनको अपने सर से उतारें ताकि आपको इबादत के अंदर लज्जत मिले और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएँ और रोएं तभी हकीकी मानों में आप इस रमज़ान का बेनिफिट उठा सकेंगे उसके बाद तीसरी चीज़ ये कि कोशिश करें रमज़ान के अंदर अपने दिलों को साफ़ कर लें दिलों को साफ़ करने से मुराद क्या है अगर किसी के बारे में कोई चीज़ बुरी दिल में थी ना उसने मेरे बारे में ये कह दिया उसने ये कह दिया उसने मेरी लेग पुलिंग की उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था उसको ये करना चाहिए था यू अंडरस्टैंड वट आई मीन दिलों में किसी के बारे में कोई बात भी रखी थी कोई रंजिश कदूरत अदावत सब निकाल दें सब माइनस कर दें सब सब अट्रैक्ट कर दें क्योंकि एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कुछ सहाबा के साथ मौजूद थे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं क्या तुम्हें तो जन्नत ही दिखाऊँ बल्कि ये हदीस नहीं नदीस ने फरमाया कि न फरमाते हैं कि अभी जो शख्स दाखिल होगा अंदर ने यस कि अभी जो शख्स दाखिल होगा अंदर ये शख्स जन्नती है और अंदर जो सहाबी दाखिल हुए उनका वो शख्स जन्नत है अगले अगले दिन दोबारा दु से अला के दिन यही बात की अब जो शख्स दाखिल होगा जन्नती है वही शख्स दोबारा दाखिल हुआ मस्जिद के अंदर तीसरी मरतबा दोबारा ये हुआ कि अल्लाह के दिन में आ गया अब जो शख्स मस्जिद में दाखिलों का जन्नति है दोबारा वही शख्स दाखिल हुआ और उसी कैफियत में दाखिल हुआ रमज़ान के अंदर रमजान के अंदर नहीं वजू करके बाहर निकल रहा है और उसके हाथों से जो है वो पानी लगा हुआ है और अपने वो कपड़े उठा के अंदर आ रहा है और नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहा है तो उनमें से एक साहबी जो है वो उनको ये दिल में ख्वाहिश हुई कि मैं देखूँगी इस बंदे का क्या अमाल है जिसके से अल्लाह के रबी सुन कोई तीन मरतबा गाया और ये जन्नती करार दी थी लॉन्ग सुन शॉर्ट ये थे वो, वो जो साहबी साथ गए थे उनको कहा कि मेरे घर में कुछ मामलात हो गए जरा तो मैं तुम्हारे घर में रुक सकता हूँ कुछ दिन के लिए मगर रुक जाए जब उनका टाइम पूरा हो गया तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें रोजाना देखा है तुम्हारी पूरी रूटीन देखिए और मैंने कोई खास काम करते हुए तुम्हें नहीं देखा अल्लाह तैयार कहा अल्लाह ताली देख रहा है अल्लाह ताली गवाया कि तुमने कोई खास काम नहीं किया मैं तुम्हें देख रहा हूँ मैं तुम्हें चौबीस घंटे देख रहा हूँ तुमने कोई खास काम नहीं किया फिर क्या ऐसा अमल है तुम्हारा जिसकी वजह अल्लाह के नबी से तुम्हारे बारे में ये बात की है मैं ये देखने के लिए आया उसमें तो उसने आगे से कहा कि मुझे नहीं पता और कोई मेरा अमल है या नहीं है लेकिन एक अमल हो सकता है जिसकी वजह से शायद अल्लाह ताला मेरी मेरी बख्शिश कर दे और कहते हैं वो अमल क्या है कि जब मैं सोता हूँ रात को तो मैं अपने दिल से हर बंदे के बारे में किसी भी किस्म की रंजिश अदूरत किसी भी किस्म की गदा कोई भी कदूरत अदावत सब चीज़ें कोई भी मेला है वो सब कुछ निकाल के और फिर सोता हूँ सबको माफ़ करके सोता हूँ इसकी वजह से अल्लाह क्या फरमाया जन्नती तो ये आपके पास टाइम है इस गंदे बर्तन की जो है न वो जरा सफाई सुथराई कर लें इनशाला अच्छा जी चौथी चीज़ कोई नोट तो नहीं कर रहा यहाँ पर सारे यहाँ पे इमाम बुखारी हैं माशाल्लाह याद कर रहे हैं चौथी चीज़ ये कि इन कोशिश कर रहे हैं आपने के क्याम को लाजमी पकड़ना है क्याम से क्या मुराद है रात का क्याम रात की नमाज रात की नमाज से क्या मुराद है तरावी, तरावी। क्या महिला एक बहुत जनरल टर्म है ठीक है रात की नमाज बहुत जनरल टर्म है इससे मुराद जो है वो इसमें तरावी भी शामिल है इसमें तहजद भी शामिल है ठीक है इसलिए घबराना नहीं है तो अगर आप मिसाल के तौर पे फॉर सम वैसे तो तरावी पढ़ने का बहुत सवाल है और बहुत अजर स्वभाव है ठीक है यानी जिसने शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ा इमाम के साथ खड़ा रहा उसके गुनाह पिछले सारे माफ़ ठीक है यानी बहुत सारे उसके अजर स्वब है उस बंदे के लिए लेकिन ख़ास तौर तो ये हदीस भी आ गई जो क्याम करता रहे पूरा साल पूरा रमज़ान में क्याम करता रहे लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई नहीं कर पाया फोरसम और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है वो अपनी नमाज घर पर भी पढ़ सकता है रात को दिस डज नॉट मीन कि आप लोग तरावी छोड़ने का आपको एक ब्लैंक टिकट मिल गया कोशिश करें कि तरावी पढ़ें घर में सुस्ती हो जाती है ठीक है मैं नहीं कह रहा कि फ़र्ज़ है मैं नहीं कह रहा फ़र्ज़ है कोई भी नहीं कहता फ़र्ज़ है तरावी को फ़र्ज़ कोई भी नहीं कहता तरावी फ़र्ज नहीं है भाई दबे लेकिन पढ़ेंगे तो बहुत अदर सवाब है अपना नुकसान है लेकिन अगर फुरसम और रीज़न रह जाए अगेन ब्लैक टिकट नहीं लेना ये अगर फुरसम और रीज़न रह जाए तो कोशिश करें कि घर में रात को ग्यारह रक़ पढ़ लें बीस रक़त पढ़ लें आठ रक़त पढ़ लें जितनी रक़त आपके अंदर सख्त है जितनी आपकी हिम्मत है सुनत के मुताबिक पढ़नी है तो आप ग्यारह रकत पढ़ लें टोटल अगर आपने बीस पढ़नी है आप बीस पढ़ लें लेकिन इबादत के मामले के अंदर जो है वो आपके पास कोई कैद नहीं होती है इबादत के मामले में आपके पास कोई कैद नहीं होती आप बीस पढ़ें तीस पढ़ें कोई मसले की बात नहीं क्योंकि नफली बात जितनी मर्जी पढ़े इन तो क्या को लाजमी पकड़ना है क्योंकि इसका बहुत अदरव स्वाब इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी चेंज होने के इनशाला चांस है पाँचवीं चीज़ ये कि खाली भूखा नहीं रहना खाली भूखा नहीं रहना रोज़ा रखना और अल्लाह के नबी सब की हदीस है कि जो बंदा जो बंदा क्या कहते हैं क़ौल जूर बुरी बात नहीं छोड़ता बुरी बात मुंह से बोलना नहीं छोड़ता उस बंदे के रोजा रखने का उसका भूखा प्यासा रहने का उसके फाके करने का अल्लाह तला को कुछ फ़ायदा नहीं है उसको कुछ कोई तलब नहीं अल्लाह तला को इसलिए उसकी कोशिश ना कीजिएगा अगर रोजा रख रहे हैं तो आपने रोजा रखना है पूरा रोजा रखना है अपने पूरे जिस्म का रोज़ा रखना है ज़बान का रोजा रखना है आंखों का रोजा रखना है कानों का रोजा रखना है ज़बान का रोजा रखना है यानी मुकम्मल रोज़ा रखना है आपके जिसम के किसी भी आजाद से किसी भी किस्म का कोई भी गुनाह नहीं होना चाहिए एंड येस इससे मुराद वो भी है जो आप सोच रहे हैं किसी भी किस्म का गुनाह नहीं होना चाहिए यानी आपने प्रैक्टिस करवानी है अपने आप को किसी तरीके से कि मैं गुनाहों से दूर रह सकूँ या आपके पास अपॉर्चुनिटी अपने आप को प्रैक्टिस करवाने की कुछ लोग कहते हैं ना कि रमज़ान रोजे क्यों रखते हैं कुछ लिबरल सोच वाले लोग कहते हैं अनफॉर्चुनेटली अगर कोई ऐसा सोचता है तो उसको पहले से पेश की माजरत कि असल में रमज़ान के रोज़े इसीलिए रखते हैं क्योंकि हमें लोगों को गरीबों का एहसास हो कि वो बेचारे कितनी भूख प्यास करते नहीं आई एम सॉरी कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं मिलती हमें पूरी कुरान सोन के अंदर कोई ऐसी बात नहीं मिलती गरीब के ऊपर रोज़ा है कि नहीं है वो क्यों रख रहा है भाई वो तो पूरा साल वैसे बुखार रह रहा है तो उसको दोबारा रोज़ा रखवा रहा है प्यार उसके लिए तो फिर खाने का टाइम होना चाहिए तो ये एडियाटिक लॉजिक है इसकी कोई कोई दलील नहीं है एक्चुअली रमज़ान का और रोज़े का मकसद क्या था कि तुम्हारे ऊपर पहले भी तुम्हारे से पहले लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज किए गए थे और तुम्हारे ऊपर भी फ़र्ज किए गए खुत भी आरग से आम हो मैं अल्ला में कबली क्यों किस लिए ला को ददतकून ताकि तुम क्या हो जाओ तकवा इख्तियार करने वाले जाओ अल्लाह का खौफ इख्तियार करने वाले जो अल्लाह से डरने वाले हो जाओ तकवे से मुराद है वो बन जाओ जो वो काम करता है जिसका हुक्म दिया अल्लाह तला ने और वो काम छोड़ देता है जिस काम से अल्लाह तारा ने रोकने का कहा है तो अगेन आइडियल टाइम जस्ट डोंट स्टे हंग्री छठी चीज़ है कुरान मजीद की तिलावत कुरान मजीद की तलावत के लिए कोई टाइम सेट कर लें और लाजमी पढ़ें खास तौर पर ठीक है और एक और शैतान की तरफ से फितना ही होता है कि शैतान ये कहता है कि भाईजान कुरान तो समझने की किताब है कुरान हिदायत की किताब है कुरान पढ़ते क्यों रहते हैं इस तरह ये पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता ये पूरे पूरे कुरान मजदूर पढ़ने ख़त्म करने का भी फ़ायदा नहीं होता इसलिए कुरान पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको समझो और क्योंकि वो पढ़ते नहीं तो वो समझ भी नहीं पाते और पूरा रमज़ान जया तो शाहान की तरफ से एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक है बड़ा ज़बरदस्त ब्लफ है आप लोगों के साथ खेलता है हम सब के साथ खेलता है तो इस ब्लफ में नहीं आना कुरान मजीद की तलावत का अपना बेनिफिट है उसका अपना सवाब है और अल्लाह के नबी सबित है कि वह रमज़ान के अंदर जो है वो कुरने मजीद पूरा का पूरा रिवाइज किया करते थे ही थ्रूट और जबरी से सुनते थे और आखिरी साल था तो दो मरतबा किया था दो मरतबा फिनिश किया था तो कुरि मजद से गुजरना ये सुनना था और कुरान मजीद की तलावत ज़्यादा से ज़्यादा करना ये रमज़ान का शहर है बिकॉज दिस इज़ द मंथ ऑफ द कुरान तो ये आपने कोशिश करनी है अगर कुरान मजीद साथ समझना भी है तो सोने पे सुहागा ज़बरदस्त बेहतरीन बात है ऐसा कर लें अगर एक घंटा है ना तो एक काम कर लें कि आप आधा घंटा कुरान मजीद की तलावत कर लिया करें और बकाया आधा घंटा जो है ना वो कोई एक आयत पकड़ने दस आयतें पकड़ने बीस पकड़ने उनके ऊपर तदब्बर कर लिया करें उनकी तफसीर निकालें कोई एक जिसके ऊपर जो आपको रिलाईबल लगती है उसके ऊपर जाएँ इन और उसके मतलब सीखें उससे सीखें कि वो क्या अल्लाह ताल से मुझसे बात करना हैं। यानी आप दोनों काम करें। लें डोंट अंडर माइंड वन फॉर दी अदर ये शाजान की तरफ से एक बड़ी गेम होती है तो इस गेम के अंदर आना नहीं वो बड़ा समझदार है बेवकूफ़ नहीं बनना इसलिए अच्छा उसके बाद आखिरी चीज़ बल्कि वक्त कम है ज़रा आखिरी चीज़ ये कि दुआ जो है वो लाजमी करनी है अगेन गोज विदाउट सेंगे तो हर साल हमेशा करनी है बल्कि अल्लाह ताला की नाराजगी का मुस्तहिक हो जाता है शख्स जो बंदा दुआ नहीं करता एक हदीस के मुताबिक अल्लाह के वसल्लम ने कि अल्लाह साल उस बंदे पर गुस्सा होते हैं उसके ऊपर गजबनाक होते हैं जो शख्स अल्लाह साल से मांगता नहीं है उनसे दुआ नहीं करता एक वदीस में आया कि अल्लाह साल ना वो अल्लाह ताली को इस बात से शर्म आती है उनको इस बात से हया आती है अल्लाह साल को कि अल्लाह का बंदा जो है वो उनके सामने हाथ बुलंद करे और अल्लाह साल उसके हाथ जो है वो खाली वापस लौटा दें उसकी उसकी दुआ कबूल ना करें तो इसीलिए दुआ करें अपने गुनाहों की तोबा की दुआ भी करें अपनी लाइफ को रीसेट करने की दुआ भी करें एक न्यू बिगिनिंग की भी दुआ करें और साथ साथ इस रमज़ान को कम्प्लीटली वन हंड्रेड परसेंट बेनिफिशल बनाने की भी इन श्रा दुआ करें और जब हम रमज़ान से निकलेंगे तो मेरी अल्लाह अल्ला से ये दुआ है कि अल्लाह से माल हमें रमज़ान से ऐसे निकालें जैसे हम माँ के पेट से भी निकलें ज़ीरो मीटर हो गया कहते हैं ना बम्पर टू बम्पर जेन बम्पर टू बम्पर हो गए निकले इन और आई नो दिस थिंग्स माइट साउंड क्लीशे बड़ी आम सी बातें लगती हैं और हर बंदा कहता रहता है लेकिन अगेन ये आपके पास वक्त है इसको ज़ाया ना कीजिएगा अल्लाह अजीम ये बहुत बड़ा पछतावा है और ये पछतावा हमें अभी इस बात का एहसास नहीं होगा जब हम मिलास मंद्रा के सामने खड़े होंगे ना और एक एक नेकी के लिए उस वक्त हम मिनते कर रहे होंगे और एक एक नेकी के लिए हम तड़प रहे होंगे उस वक्त उस वक्त हमें ये बात का एहसास हो गया ना अगर कि हमने पूरा महीना ज़ाया कर दिया है बोनस का वो महीना जिसमें वो कदर की रात थी जो कि कितने महीनों की इबादत ज़्यादा बेहतर है हज़ार महीनों की इबादत से ज़्यादा बेहतर है वट्स एट लाइक एट्टी थ्री समथिंग ऑर्डर है यानी लगातार इतने सालों की इबादत करोगे तब जाके इतनी इबादत नसीब होगी और अब मैं एक एक नेकी के लिए रो रहा हूँ इधर से देख रहा हूँ जैसे देख रहा हूँ जैसे हदीस मिलती है इसके ऊपर कि बंदा मांग रहा है लोगों से नकियाँ और मैं इतने सालों की नेकियां जो हैं वो कुर्बान करके आ गया क्यों क्योंकि मुझे किसी ने एहसास नहीं दिलवाया था तो मैं वो एहसास दिलवाने के लिए इनशाला और वो रिमाइंडर देने के लिए आज आपके सामने मौजूद हूँ ताकि कल को खुदाना खासा जब आपको पूछा कि क्या तुम्हें कोई डराने वाला नहीं आता था तो आपको पता है आप कहीं हाँ मुझे कोई डराने वाला आया था और इन अल्लाह साहब को जन्नत में इकट्ठा करें रमज़ान का भरपूर फ़ायदा उठाने की तोफ़ी दे हर कैफियत के अंदर बहुत सारी बातें जो और भी की जा सकती हैं इन लेकिन यहाँ पर वक्त की किल्लत की वजह से यहाँ पर अख्ताम करते हैं अपनी गुफ्त का